गदर 2 में छा गए योगी आदित्यनाथ। ट्रेलर देखने के बाद हिंदुस्तान का सीना हुआ चौड़ा तो पाकिस्तान को लग गया बुखार। गदर 2 के रिलीज से पहले ही सदमे में आया पाकिस्तान। सनी देओल के डायलॉग ने कर दिया शहबाज शरीफ को हैरान। सनी देओल में पाकिस्तान को क्यों दिखी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की झलक। फिल्म के ट्रेलर ने मचाया तहलका। दुश्मन देश में दिखा योगी का जलवा। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान में भी सनी देओल और अमीषा पटेल की नई फिल्म गदर 2 की धूम मची है। लेकिन धूम से ज्यादा पाकिस्तान में इस फिल्म का खौफ दिख रहा है। जी हाँ, सनी देओल की फिल्म गदर आज भी लोगों के जहन में बसी है। 2001 में आई इस फिल्म ने सिर्फ भारत ही नहीं कई मुल्कों में अपनी गहरी छाप छोड़ी। अब फिल्म गदर 2 हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही देशों में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी में है। फिल्म के ट्रेलर ने ही इस बात को साफ कर दिया है। जी हाँ, फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होते ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ से लेकर खूंखार आतंकियों तक की बोलती बंद हो गई है और सभी को सीएम योगी आदित्यनाथ याद आ गए। उनकी वो बातें याद आ गई जिससे सभी को डर था। और दिलचस्प बात तो यह है कि गदर 2 के साथ ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही जगहों पर योगी आदित्यनाथ ट्रेंड कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर ये क्यों और कैसे हो रहा है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म का योगी आदित्यनाथ से क्या वास्ता, तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल फिल्म के ट्रेलर में सनी देओल की ललकार आपने देखी ही होगी जो वो पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं। उसमें कई ऐसी लाइनें हैं जैसे, यदि पाकिस्तान के लोगों को हिंदुस्तान में बसने का मौका मिलेगा तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक और डायलॉग है जिसमें सनी ये कहते नजर आ रहे हैं कि कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। इन डायलॉग्स को सुनकर पाकिस्तान को योगी आदित्यनाथ की याद आ गई। जी हाँ, और याद आए भी क्यों ना, ये वही बातें हैं जो कुछ महीने पहले बाबा ने खुले मंच से पाकिस्तान को चुनौती देते हुए कही थी, उसे ललकारते हुए कहा था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, पाकिस्तान अब भीख मांगने की स्थिति में आ चुका है। दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। 5 किलो आटे के पैकेट के लिए छीना झपटी हो रही है। इतना ही नहीं, योगी ने यह भी कहा था कि यदि पाकिस्तान के लोगों को अवसर मिलता है तो वह हिंदुस्तान ही आकर बस जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि गदर 2 के मेकर्स ने सीएम योगी के हुंकार उनके पाकिस्तान के लिए बोले गए शब्दों का इस्तेमाल अपनी फिल्म में किया है। और दिलचस्प बात तो ये है कि सनी देओल के जुबा से वो लाइन सुनते ही सबको योगी याद आ गए। सभी योगी का नाम जपने लगे क्योंकि पाकिस्तान भी योगी की ललकार से वाकिफ है। और अब उनकी यही गुर्राहट इस फिल्म को हिट करने में मददगार साबित होगी। बताते चले कि गदर की सफलता के 22 साल के बाद गदर 2 को बनाया गया जो 11 अगस्त को रिलीज होगी और इस फिल्म के थिएटर पर आने का इंतजार दोनों ही मुल्कों को है। खास तौर पर ट्रेलर सामने आने के बाद तो दर्शकों की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ गई है। अब देखना ये होगा कि सनी देओल की अदाकारी और योगी की बेबाक बातों का मिश्रण इस फिल्म को सफलता की किस ऊंचाइयों तक लेकर जाता है।